हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है, UP SSC का जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो 24 जुलाई को अभी होना है। हालांकि अभी कल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लिंक भी हैं, जैसे कि अमर उजाला है और एक दो और हैं जो मतलब लेखपाल की जानकारी, फर्जी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, तो वो कल से पोस्ट कर रहे हैं कि जो 24 तारीख को है वो एग्ज़ाम नहीं होना है। तो ऐसी बातों पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है और जो एग्ज़ाम है वो 24 को ही होगा, ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है, कोई ऐसा भी बोलता है यूट्यूब चैनल पर आकर व्यूज़ के लिए कि उसके मामा फूफा ताया कोई भी UP SSC में है और वो ये बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा। तो गाइज़, अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ पर नहीं आई है और ना ही आपको विश्वास करना जब तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो मैं देख रहा हूँ एक ग्रुप में भी अपने, और दूसरे जो ग्रुप हैं उनमें भी देख रहा हूँ, काफ़ी ग्रुपों में ऐड हूँ। तो अभी भी क्या हुआ है, टेस्ट बुक ने कुछ नए पैटर्न पे उसमें टेस्ट डाले हैं और तीन टेस्ट लगभग अब तक आ चुके हैं उसमें, शायद चौथा टेस्ट अभी एक दो दिन बाद आएगा। तो उसके बाद जब है लोगों के स्कोर जो है वो एकदम से डाउन हुआ, GS और ग्रामीण में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो एकदम से वो बेचैन हो गए कि भाई अब क्या किया जाए, ये कैसे क्वेश्चन है, इतना टफ पेपर, और इस तरीके की बातें होने लगी। और कुछ लोगों का मानना है कि मतलब वो एक महीने में GS कवर कर लेंगे सारी। ठीक, तो इन्हीं सब हम बिंदुओं पे बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, बट एंड तक ज़रूर सुनना जो भी UP SSC लेखपाल के एस्पेरेंट है, और साथ ही इसको लाइक एंड शेयर भी करते रहना गाइस, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। ठीक है, तो बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट को मैंने देखा, एनालाइज किया है, दो टेस्ट मैंने देखे थे उसके। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये पाई उसके अंदर कि उसमें GS वाले पोर्शन के अंदर जो UP SSC के PYQ हैं, यानी कि जो UP SSC ने विभिन्न परीक्षाएँ ली हैं विभिन्न विभागों के लिए, तो उसके क्वेश्चंस वहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि मैंने लगभग 10-12 क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज़ किए हैं UP SSC के, तो मुझे पता लग गया कि अरे ये क्वेश्चन तो वहाँ था, तो मैंने वो एनालाइज़ किया। तो वो क्वेश्चन जो हैं, और मैंने UP SSC PYQ के बारे में भी आपको बताया चैनल पर, हालांकि वीडियो नहीं बनाई यूट्यूब पर, लेकिन टेलीग्राम पर मैंने आपको बताया था कि जो है लेवल वो आपको टफ मिलने वाला है और 25 में से 7-8 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बस वही है, जो क्वेश्चंस हैं वो UP SSC PYQ के हैं, बाकी उन्होंने थोड़ा सा अपने से भी ऐड कराया, जो मतलब और भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, टेट का है, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन थे कुछ। तो क्वेश्चंस का लेवल मैं ये मानता हूँ कि जो अब टेक्स्ट बुक ने रखा है वही पेपर में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है UP SSC का कि 80+ जो है मार्क उसकी कट ऑफ नहीं गई है। हालांकि वीडियो 2018 में अगर हम देखें एनालाइज करके, कंपेयर करके, उसको 1900 वैकेंसी थी जिसमें से 1300 वैकेंसी आयोग ने खुद फर्जी मानी थी, और जिसमें कट ऑफ जो थी वो जनरल की 106 क्वेश्चंस थी। अब 106 बटा 150 करेंगे तो लगभग ये 70% आपकी कट ऑफ रहेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि कट ऑफ जो है वो 70 से 75 के बीच में ही बैरी करेगी, और पेपर को इस तरीके से ही सेट किया जाएगा कि कट ऑफ ऊपर ना जाए। ठीक है, तो जिनके भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग एकदम से होश खो बैठे हैं, अरे ये क्या हुआ कि हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे, 60 आ रहे, कोई कह रहा 50 आ रहे, कोई कह रहा 70 आ रहे हैं। तो वो मार्क्स जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि पेपर में आपने जो पढ़ा है वो मिल जाए आपको, ज़रूरी नहीं है टेस्ट में नहीं मिला तो पेपर में ना मिले, लेकिन मुद्दा यह है कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो पढ़ना तो हमें किताब से ही पढ़ना पड़ेगा भाई। आप सोचे कि मैं यूट्यूब पर देख के एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, आप सोचे कि मैं PDF पढ़ लूँ खाली, फलानी PDF, ये PDF, वो PDF, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वो किस्मत है आपकी अगर आप सिलेक्शन ले जाएँ, ठीक है, तो वो सबके साथ नहीं होगा, वो जिसकी किस्मत होगी वो उसे मिल जाएगी, बट सबके साथ ऐसा नहीं होगा, सबको किताब से ही पढ़ना पड़ेगा। जो किताब जो है वो आपका स्ट्रक्चर एक बनाती हैं, बेस बनाती हैं। ठीक, बहुत सी किताबें ऐसी हैं कि वो बिगनर के लिए होती हैं, जैसे कि लूसेंट में से अब नहीं आता है, पहले मोस्टली लूसेंट में से आता था, बट अब भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने लूसेंट पढ़ ली तो 30 से 40% आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं, इतना तो आता है अब भी।
फिर आपको करना क्या है, बस किताब से ही पढ़ना है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि अब हमको जीएस कहाँ से पढ़ें या फिर ग्रामीण कहाँ से पढ़ें। तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना समय नहीं है कि आप कुछ भी स्टार्ट करें और वो फिनिश कर पाएँ। तो मैं कुछ मेन मेन टॉपिक बता रहा हूँ आपको, और आपको पढ़ना वैसे ही होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश करना होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी कि जो आज़ादी के लिए मूवमेंट चले थे, उन पे ज़्यादा फोकस रखना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका डेटा जहाँ भी मिले उसको पढ़ो, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमें अलग से दे रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी वो उसके अंदर दे रखा है, तो वो हमको पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटी भी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। दो चैप्टर ये हो गए। फिर आपको अगर आपके पास समय बचे तो आप एंशिएंट पढ़ सकते हैं। मिडिवल से ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है आजकल, एंशिएंट से ज़्यादा मिल रहा है इस टाइम। बीच में कुछ टाइम मिडिवल से मिला था। फिर इसके बाद आप ज्योग्राफी में आ सकते हैं, जिसमें नदियों के बारे में मतलब आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, नदियों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। स्टैटिक जीके में लूसेंट की किताब में लास्ट में स्टैटिक जीके दे रखा है, तो उसको तो बिल्कुल पूरा पढ़ लेना है, कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए, ठीक। बाकी एग्रीकल्चर में आप जो बुक आती हैं, एक तो परीक्षा वाणी है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास, या यूपी स्पेशल का भी ये क्वेश्चन होता है कि यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ी जाए, तो लूसेंट की बुक भी अच्छी है उसकी, यूपी स्पेशल की। अगर वो नहीं है आपके पास अलग से जो बुक है इंडिविजुअल, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक बुक है घटना चक्र की मटके वाली, ठीक है, उसका बुक अगर हो तो बुक से ले लो, नहीं तो पीडीएफ जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप यूपी स्पेशल और एग्रीकल्चर वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी किताब जो है वो बढ़िया है, ठीक है। और एमसीक्यू अगर आपके किसी टेस्ट में नहीं फंस रहे, तो इसका मतलब वो किताब ऐसा नहीं है कि वो फर्जी हो गई, बेकार हो गई, ठीक है। तो टेस्ट क्या पता टेस्ट सेटर ने कहाँ से पढ़ के कहाँ से सेट क्वेश्चन बनाए हैं, तो उस पर ध्यान रखते हैं। बाकी ये दो चीज़ें आप कर लीजिए, गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन बशर्ते आपको किताब से पढ़ना पड़ेगा, ये इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लास्ट में करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा मतलब चर्चाएं हो रही हैं, तो करंट अफेयर के बारे में मैं बता दूं, अप्रॉक्स 6 महीने का जो है वो आइडियल टाइम माना जाता है करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैन से तो जुलाई तक तो आपको करनी है, 10 जुलाई या 15 जुलाई तक आपको करनी पड़ेगी करंट अफेयर, क्योंकि जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए उसमें देखा गया है कि रिसेंट के ही क्वेश्चन उठा के दे दिए उन्होंने 10-15 दिन पहले के, तो 15 जुलाई तक आप कर लें। बाकी अगर आपके पास समय बचे तो नवंबर दिसंबर 2021 का भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कर लीजिए। बस इनफ होगा इतना, कोई भी एक किताब उठा लीजिए, कंटेंट सबका सेम होता है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब कोई भी खबर आती है, करंट अफेयर का मतलब क्या है, कोई हाल फिलहाल में जो भी खबरें हुई हैं, तो हाल फिलहाल में जो भी खबरें हुई हैं कोई दूसरा थोड़ी ना डेटा होगा, डेटा तो एक ही होगा, बट किसी हर बुक का मतलब हर राइटर का अपना अपना एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है। कोई एक तरीके से मतलब एक ही सी खबरें एक जगह दे देता है, कोई डेट वाइज देता है, कोई कैसे देता है, कोई कैसे देता है, तो ये मतलब आप डिपेंड करता है आप पर। आप इसको आपको जो भी अच्छी बुक लगे, आप किसी भी एक बुक से मतलब उसको पढ़ डालो अच्छे से। अभी 20 दिन का समय है, और पढ़ लो, किताबों से पढ़ लो, इधर उधर मत भागो वीडियो और यूट्यूब के चक्कर में। हाँ, लास्ट में ये भी बोलना चाहूँगा कि टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, निगेटिविटी आएगी इससे, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है ना, क्वेश्चंस हार्ड बना, पेपर को हार्ड बनाने के लिए क्वेश्चंस अच्छे लेवल के डाल दिए जाते हैं। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे मैथ के आपको उसके अंदर, जीएस में एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन डाल देंगे वो, तो वो अलग चीज़ होती है टेस्ट में। टेस्ट में आपको वो एक तरीके से तैयार करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो अगर आपके कम मार्क्स आने तो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और आगे फिर ऐसे ही रابطہ कायम करते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।